सो हेलो फ्रेंड, दिस इज मी आयतक नाल. ओके, तो आज का क्वेश्चन है ये एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में. लेकिन मैं इसे ऐसे क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड इट एज अ क्वेश्चन, है कि नहीं. तो चलिए, समझने के लिए है ये क्वेश्चन, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव इससे ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं होने वाला. चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रहा है. If the size of nucleus is 10^-15 to the power 10^-14, actually यहाँ range भी लिखा हुआ था NCERT में, but मैंने उसे नहीं लिया है. Simple सी बात है, क्योंकि मैं हर शब्द को copy नहीं कर सकता NCERT से, तो this is the thing, इसलिए मैंने range को वहाँ पे नहीं लिखा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि actually जो भी आप लोग के पास, जैसे कि हम लोग किसी का range बताते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कोई पूछ लिया, अच्छा उस कपड़े का लेंथ क्या होगा जो तुमने उस दिन नापा था, तो तुम अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो मैं ऐसे बोलोगे कि हाँ वही कुछ 4 से 4.5 मीटर के आसपास होगा, 4 to 4.5 meters के बीच में होगा. लेकिन तुमने एक्यूरेट नहीं बताया, इट कैन बी 4.23, इट कैन बी 4.4, इट कैन बी 4.41 और इट कैन बी 4.12, तो इन सब बीच में नंबर आ सकते हैं यार. तो अगर हम लोग ऐसा कुछ बताते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं रेंज, ठीक है, वी कॉल इट रेंज, हम लोग इसे कहते हैं रेंज. और रेंज किसी भी न्यूक्लियस का, से मान लिया ये एटम है, ठीक है, तो किसी भी न्यूक्लियस का जो रेंज होता है, जो ये लेंथ होता है रेडियस का, ये जो लेंथ होता है, ये डायमीटर हो गया, और ये जो लेंथ होता है, ये जो होता है, ये होता है 10^-15, 10^-14, ठीक है. और अगर इस रेडियस को, इसका रेडियस एटम का देखा जाए, तो ये होता है 10^-10 meters के आसपास, ठीक है. ये है रफली द साइज ऑफ एटम, ये है एटम का साइज 10^-10 meters, एंड ये है आपके न्यूक्लियस का साइज, यानी कि इससे लगभग 5 गुना बड़ा होता है, ठीक है. तो अब क्या क्या रहा है कि अगर हम लोग एक न्यूक्लियस को लेते हैं और उस न्यूक्लियस के जो साइज होता है, जो साइज का रेंज हमें पता है, उसे हम लोग स्केल अप कर देते हैं. क्या कर देते हैं? स्केल अप कर देते हैं टिप ऑफ द शार्प पिन तक. दिस मींस कि मान लो, जैसे हम लोग मैथ्स आप लोगों ने 10 तक सबने पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों को पता होगा, हम लोग बोलते हैं लेट इट बी 10 meters, तो क्या 10 meters है? नहीं, 10 meters तो नहीं है. लेकिन आप लोग बोलते हैं सर हम लोगों ने मान लिया कि 10 meters है, तो क्या 2 meters इसे कह सकते हैं? आप लोग ये बोलेंगे मैं 2 meters हूँ, आप नहीं कह सकते ऐसा. अगर आपने इसे 10 meters माना है, तो आपका 2 meters जो होगा वो कुछ इतना बड़ा होगा, है कि नहीं, इससे भी छोटा होगा, है कि नहीं, इतना बड़ा होगा आपका 2 meters. तभी तो ये 5 बार जब आएगा तो आपको ये 10 meters के आसपास देगा, है कि नहीं, तो ये सब मिल करके 10 meters आपको मिलेगा. तो उसी ढंग से अगर हम लोग ये मानते हैं कि न्यूक्लियस का जो साइज हमें पता है वो एक शार्प पिन के टिप की तरह हो जाए, यानी ये जो पिन होता है उसके टिप की तरह हो जाए, जिसका रेंज हमें पता है, वो दिया हुआ है, अज्यूम टिप ऑफ द पिन टू बी इन रेंज ऑफ 10^-5 to 10^-4 meters के रेंज का होता है. हमें मानना है कि न्यूक्लियस का साइज अगर इतना हो जाता है तो फिर रफली एटम का साइज कितना होगा, तो वो बताना है हमें. चलिए देखते हैं. तो बस कुछ करना क्या है इसमें, सिंपल सी बात क्या है इस चीज की, कि हमने देखना है कि कितना गुना बड़ा हमने कर दिया है. हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो होता है 10^-15 to 10^-14, हमने इसे 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया है, 10^10 से मल्टीप्लाई हम लोग ने इसे कर दिया है, और तब जाके हमारे पास 10^-5 इतना बड़ा ये आया है, ठीक है. तो हम लोग को पता करना है एटम का, अगर हमने न्यूक्लियस के साइज को इतना मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग को एटम के साइज को भी इतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो लेट्स सी, अगर हमारे पास एटम जो हुआ वो 10^-10 meters का होता है, ऐसा मैंने भी बताया था, तो अगर उसमें भी हम लोग ऐसे कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 10^10 को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी जो आएगा ये हो जाएगा मेरा 1 meter, ठीक है, इसका मतलब ये 1 meter आएगा. तो सोचिए कितना लार्ज गैप है. कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास कोई भी एटम है किस साइज का, 10^-5 साइज का, मान लिया कि आपके पास एक न्यूक्लियस है जो कि एक सुई के नोक के बराबर छोटा है, तो उसका जो पहला ऑर्बिट या फिर पहला जो भी आप लोग के पास ऑर्बिट होगा जो उसके अगल बगल होता है,
वो एक मीटर दूर होगा इससे. जस्ट थिंक अबाउट इट, इतने छोटे से न्यूक्लियस के पास सारा का सारा वजन है और एक मीटर दूर अगर आप जाइएगा तब जाके पहला ऑर्बिट बनेगा. यानी इतने सारे स्पेस जो बीच में है वो तो रह गए खाली. तो यानी कि इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी. ठीक है, इसका एक सिनेरियो दिखाने के लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मैं एक और एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग को, बहुत यूनिक सा है. अगर आप लोग जैसे अभी आप लोगों ने माना कि जो एटम का जो न्यूक्लियस था वो एक टिप के बराबर था, पिन टिप के बराबर था है कि नहीं. लेकिन अगर मैं न्यूक्लियस को एक फुटबॉल के साइज का मान लूं तो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो 1 किलोमीटर के आसपास दूर होगा. ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत सारा स्पेस एटम में एम्प्टी होता है. तो इस क्वेश्चन से एनसीईआरटी ने हमें ये बताने की कोशिश किया था. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सो टेक केयर फ्रेंड्स एंड स्टडी वेल एंड बाय बाय.